यार, कितना अच्छा लग रहा था। वो स्टार्ट हो गया। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? I'm Deepika, I'm back with another fascinating ingredient of this month, which is green tea. Yes, green tea. You heard it right. वैसे green tea हम लोग weight loss में use करते हैं और जो बहुत बहुत helpful होती है। But you know कि green tea एक बहुत अच्छा skin care ingredient भी है। नहीं? तो चलो, मैं आज आपको दिखाती हूँ इस green tea leaves के बहुत सारे magics। तो हमारा फर्स्ट DIY है टर्मरिक एंड ग्रीन टी फेस पैक। इस वीडियो में हमारे ऑलमोस्ट सारे DIYs फेस पैक ही होने वाले हैं। सो डोंट वरी इफ यू लैक स्टफ फॉर दिस वन, एज वी हैव मोर कमिंग अप। सो वी स्टार्टेड। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं एक देने वाली हूँ आपको बोनस DIY। सो मेक श्योर यू वॉच टू द एंड। ऑल्सो इफ यू आर कंज्यूमिंग दिस ग्रीन टी, सो मेक श्योर इट शुड बी वेरी सेफ। 100% ग्रीन टी, नो पैराबेन्स, नो डाइस। सो बैक टू द बेसिस, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट DIY। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बेसन, हम लेंगे 1/4 टीस्पून टर्मरिक। नेक्स्ट मैं लूंगी यहां पर 2 टेबलस्पून फ्रेशली ब्रूड ग्रीन टी। थोड़ा सा छोटा है चम्मच, तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिया। नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट। नाइस कलर। सी नाउ दिस इज एप्लीकेशन टाइम। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यहां पर मैं यूज करती हूँ दिस फेस पैक। जो बनेगा हमारा लेमन पी पाउडर और ग्रीन टी के साथ। फॉर दिस वी नीड लेमन पी पाउडर। हम यहाँ लेंगे 1 टेबलस्पून लेमन पी पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रीन टी, 1/2 टेबलस्पून हनी। एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ हमें इसे मिक्स करना है। एंड इट्स डन। सी नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर लेमन टी पाउडर एंड ग्रीन टी फेस पैक। DIY, which is made up of rice flour. Yes, rice flour, चावल का आटा। चावल का आटा वो भी face mask में? बिल्कुल। Yes guys, rice flour जो होता है, basically ये बहुत ही अच्छा source माना जाता है skin improvement के लिए। ये हमारे skin के texture को improve करता है, plus इसमें vitamin B होता है, जो skin के लिए बहुत beneficial होता है। तो इसको बनाने के लिए we need 1 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, चावल का आटा, राइट? 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी, एंड आई एम गोइंग टू मिक्स इट। एंड इट्स डन। मुल्तानी मिट्टी के साथ, मुल्तानी मिट्टी एंड ग्रीन टी। सो ऑब्वियसली इसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। एंड लेट्स सी इसको बनाते कैसे। ओके, सो लेट्स सी इस मुल्तानी मिट्टी और ग्रीन टी फेस पैक को बनाते कैसे। तो इसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। हियर इट इज। हम इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी,
ऑफ दिस ग्रीन टी. तो अब बारी है इस वीडियो के लास्ट नॉट द लीस्ट बोनस DIY के लिए. ओके, तो इस बोनस DIY में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक अ ग्रीन टी टोनर. वैसे टोनर इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं हमारे हेल्दी स्किन के लिए, लेकिन जब कभी आप फेस वॉश करते हैं तो आपका घर में जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है बेसिकली. तो जब आप फेस वॉश करते हैं ना तो कुछ रेसिड्यूज आपके फेस पर रह जाते हैं, जैसे नियर बाय योर नोज और ये साइड्स में, साइक्लॉक्स के साइड में. तो क्या होता है ना कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाती हैं और आपने देखा होगा आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड समथिंग इस तरह से डेवलप हो जाते हैं. सो वी यूज टोनर्स इस सबको क्लीन करने के लिए. सो लेट्स बिगिन, देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे. ओके, तो हमारे बोनस DIY ग्रीन टी टोनर को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ब्लू ग्रीन टी. मैं ये कप ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं. और आपके पास जो भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल है, जैसे मेरे पास है यहाँ पर रोजहिप ऑयल, मैं ये यूज करती हूँ. आपको जो भी सूटेबल है, जो भी आपका ऐसा है जो आपके स्किन पे एलर्जिक नहीं है, जो रिएक्ट नहीं करता है, आप उसको ले सकते हैं. तो मैं यहाँ पर 4 to 5 ड्रॉप्स लूंगी अपने फेवरेट रोजहिप ऑयल की. That's it. और मैं इसको, आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं. मैं इसको बेसिकली स्प्रे वाटर में डालने के बाद शेक कर लेती हूँ. जब भी मैं यूज करती हूँ इसको शेक करके यूज करती हूँ. तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. ओके, दिस इज अ टाइम टू यूज अवर बोनस DIY फेस टोनर हैक ऑफ माय फेस. That's it with this video, guys. We hope you found this video very helpful and informative. अगर ऐसा कोई ingredient है जिस पर आप video चाहते हैं या फिर जिसके बारे में आप और कुछ information चाहते हैं तो please comment it down and let us know. अरे यार please मेरे अंदर एक टैक्स दे दो. बड़ा अच्छा लग रहा है.